नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। करंट न्यूज डेस्क के अंतर्गत आजकल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हम लोग जो है कवर करेंगे, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है महत्वपूर्ण है। एक जीका वायरस की बात जो है चल रही थी, जीका वायरस का एक केस भारत में जो है सामने आया हुआ है और ये केस पहली बार जो है कानपुर में इसकी पहचान की गई है। तो चूंकि इस तरीके के जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो एक महत्वपूर्ण खबर है, तो इसको ध्यान में रखना आवश्यक है। और इससे संबंधित कुछ और भी जो है शर्तों को, उसकी विशेषताओं को, उससे होने वाले जो है शारीरिक लक्षण को भी देख लेना और समझ लेना आवश्यक होगा। सामान्यतः जो कीड़े मकोड़ों या मच्छरों के काटने से जो होता है शरीर में जो है आप लाल चकत्ते हो जाते हैं, फफोली शरीर में पड़ जाते हैं, फीवर शरीर में दिखाई पड़ता है। तो जीका वायरस का जो प्रथम मामला है जो है वह कानपुर में जो है देखा गया है और कानपुर में जो है इसके पहले मामले की जो है पहचान की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है वो 67वें फिल्म फेयर अवार्ड से है, जिसमें सर्वाधिक फिल्म के जो है अनुकूल राज्य घोषित किया गया है। तो सर्वाधिक फिल्म के अनुकूल राज्य जो है वो सिक्किम को जो है बनाया गया है। सिक्किम को जो है सर्वाधिक फिल्म के जो है अनुकूल जो है राज्य के रूप में जो है घोषित किया गया है। तो इसलिए जो है पिछले कई न्यूज़ में आप लोग देख रहे होंगे कि सिक्किम जो है लगातार चर्चा में जो है बना रहता है। तो ये भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसे आप लोगों को जो देखना है सिक्किम इसका जो है सही उत्तर जो है होगा। एक आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की जिसमें सर्वाधिक टिकाऊ यानी कि जो है परिवहन के क्षेत्र में सर्वाधिक टिकाऊ जो है शहर के रूप में एक शहर को दर्जा दिया गया है, उसे कहा जाए कोच्चि जो है, वो जो है शहर है कोच्चि, यानी कि जो कोच्चि को आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाला जो है वो शहर घोषित किया गया है। सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर के रूप में कोच्चि को जो है पहला स्थान मिला है, इसे जो है पहले स्थान पर जो है रखा गया है। तो ये भी इस तरीके के भी सवाल परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो इसको जो आप लोग देखेंगे तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो महत्वपूर्ण होगा कोच्चि इसका जो सही उत्तर होगा। इसी तरीके से जो है BCCI यानी कि बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जो है IPL के अंतर्गत जो है दो नई टीमों की घोषणा की है और ये नई टीमें जो है वो अहमदाबाद और दूसरी टीम जो है वो लखनऊ है। लखनऊ और अहमदाबाद की टीम को जो है इस तरीके से जो दर्जा दिया गया है और दोनों ही टीमें अब IPL के अंतर्गत जो है इंडियन प्रीमियर लीग में जो है सम्मिलित होंगी। और इससे संबंधित जो है खेल हमेशा से भारत में जो लोकप्रिय रहा है तो क्रिकेट से संबंधित है, तो ये भी जो है प्रश्न आपके परीक्षा में जो है पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखेंगे कि अहमदाबाद और लखनऊ की टीम को इसमें जो है दर्जा और सम्मिलित जो है किया गया है। एक महत्वपूर्ण अभी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है वाराणसी में किया गया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसे भी समझ लेना जान लेना आवश्यक है। आयुष्मान भारत स्वस्थ अवसंरचना मिशन के रूप में जो है कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, 5,000 करोड़ रुपए के जो है कोष से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। और यह कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया है, वाराणसी से जो है प्रारंभ किया गया है। और वाराणसी जो है प्रधानमंत्री का जो है वो संसदीय क्षेत्र भी है, यहाँ से वो जीते हैं चुनाव। तो वाराणसी से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 5,000 करोड़ रुपये से। आयुष्मान भारत स्वस्थ अवसंरचना मिशन के रूप में जो है यह कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज NGT की तरफ से आ रही है, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, स्थापना 2010 ईस्वी में इसकी की गई थी। पर्यावरण के क्षेत्र में जो है जो भी मामले आते हैं उनको सुलझाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और NGT ने अभी हाल में ही जो है गाजियाबाद नगर निगम पर जो है वो कचरे के जो है प्रबंधन में लापरवाही बरतने के लिए जो है 1 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना जो अभी लगाया है। यह पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो जिम्मेदारियां हैं उससे लोगों को परिचित करवाने और उसके प्रति जो है उनकी प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय है जो कि पर्यावरण के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण न्यूज है, इसके बारे में NGT के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा जो देखते रहेंगे तो महत्वपूर्ण जो है होगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो UAE ने जो है UAE के द्वारा जो है ये घोषणा की गई है कि 2060
2060 तक जो है यूएई के द्वारा ये घोषणा की गई है कि वो 2060 तक जो है ग्रीन हाउस गैसों के जो शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को जो है प्राप्त करेगा, ग्रीन हाउस गैसों के जो है शून्य उत्सर्जन, ग्रीन हाउस के जो है शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को जो है वो प्राप्त करेगा। तो 2060 तक के बीच में जो है ये इसके तरफ से जो घोषणा की गई है। एक और महत्वपूर्ण न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय जो है परिदृश्य से, वो यह है कि भारतीय मूल की जो है एक महिला को भी हाल में ही जो है कनाडा में रक्षा मंत्री के रूप में जो है नियुक्ति की गई है। उसका नाम जो है वो अनीता आनंद है, अनीता आनंद है, यानी कि अनीता आनंद को, भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा में रक्षा मंत्री के रूप में जो है नियुक्ति दी गई है। तो ये थी कुछ आजकल की महत्वपूर्ण जो खबरें जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो आप करंट अफेयर्स के बारे में जो है एक कल्चर इसी तरीके से डेवलप कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। परंपरागत विषयों को भी जो है साथ में देखते रहिए, साथ में आजकल इकोनॉमिक्स के भी क्लास जो है दूसरे प्लेलिस्ट में चल रहे हैं। तो आप इसके साथ साथ जो अपनी पूरी तैयारी को एक सही दिशा में आगे बढ़ाते रहिए ताकि आने वाले समय में परीक्षा के लिए आप अपने आप को मजबूती और प्रबल दावेदारी की उतार सकें। तो आजकल की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ बस इतना ही, अगले लेक्चर में पुनः कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।